Hey guys, this is Sonam Singh and you are watching Shyama Astrology और हम आज बात करेंगे कन्या राशि के 2020 का राशिफल। एंड यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो मेरे प्रेडिक्शंस होते हैं वो चंद्र राशि पे बेस्ड होते हैं, बट अगर आपका लगन भी कन्या है तो मेरे प्रेडिक्शंस आप पे एप्लीकेबल होंगे अराउंड 70-80%। एंड यस, अगर आपको मेरे प्रेडिक्शंस रेजोनेट करते हैं, आपसे रेजोनेट करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कन्या राशि के लिए एक मेजर पॉइंट, वो ये कि वो 2019 में किसी एक इमोशनल प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे। उनके अंदर, उनके मन के अंदर कोई ना कोई बात जो थी वो सता रही थी, मे बी रिलेटेड टू होम, मे बी रिलेटेड टू वर्क, या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, किसी ना किसी चीज ने उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था, स्पेशली नवम्बर के बाद से। तो कन्या राशि वालों, मेरी एक एडवाइस ये है कि आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो ये सारी प्रॉब्लम्स है ये एक काले बादल के जैसे हैं, थोड़ी देर टाइम आएंगी और उसके बाद चली जाएंगी। दे आर ऑल टेम्पररी, क्योंकि 2020 में आपको आपकी इन इमोशनल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा हद तक राहत मिलने वाली है। तो 2020 में आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं, फर्स्ट पेशेंस एंड सेकेंड बैलेंस। पेशेंस रखिए, क्योंकि जो भी चीजें आप अभी सफर कर रहे हो बस अब वो खत्म होने वाली है, दे आर ऑल टेम्पररी। एंड सेकेंड थिंग इज बैलेंस। 2020 में आपके लिए बैलेंस इज द मेजर वर्ड। आप बैलेंस करते हुए नजर आएंगे पूरे 2020 में, स्पेशली रिलेटेड टू योर जॉब एंड रिलेटेड टू योर लव लाइफ। मतलब आप अपने घर को या रिलेशनशिप को और अपने जॉब को, इन दोनों को बैलेंस करने में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो सभी लोग करते हैं, बट कन्या राशि वालों आपके लिए भी एडवाइस सिर्फ यही है, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में इतने सारे ग्रहों की होती है, तो फोर्थ हाउस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बना हुआ है, और आपके टेंथ हाउस पे राहु है और राहु के साथ भी बहुत सारे ग्रह 2020 में आने वाले हैं। तो फोर्थ और टेंथ हाउस के बीच में बैलेंस आप लोगों को बनाना पड़ेगा पूरे 2020 में। अगर आपके लिए जो बेस्ट मंथ है, जो अच्छे गुजरने वाले महीने हैं, जो आपको कुछ बहुत कुछ देके जाने वाले हैं, वो है अप्रैल, मई, जून एंड नवंबर, लास्ट वाला नवंबर का एंड और दिसंबर। इन महीनों में अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया, स्पेशली रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू योर न्यू वेंचर, या आप कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अप्रैल, मई, जून एंड नवंबर का एंड और दिसंबर, इस टाइम आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ी सुख शांति आएगी आपके पास, आपका जो टाइम है आपको लगेगा कि आपके लिए बेटर आ रहा है। तो प्लीज आप इन चार पांच महीनों में आप मेहनत करना मत छोड़िएगा, बस आप अपने आप पे विश्वास रखिएगा, अपने भगवान पे विश्वास रखिएगा, और जो काम आप अभी तक सोच रहे थे और ड्यू टू एनी अदर रीजन आप वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो काम करने का टाइम, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का टाइम जो है वो है अप्रैल, मई, जून और नवंबर का एंड और दिसंबर। ये पांच महीने आप प्लीज इन्हें बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, अब न्यू बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए अच्छा टाइम है, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आपका नेम फेम बढ़ेगा। लव अफेयर्स में जो लोग भी है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपके प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का आपके वर्क प्लेस पे, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो इमोशनल प्रॉब्लम की और हैवी बर्डन की मैं बात कर रही थी, उन सब में आपको राहत मिलने वाली है आफ्टर जनवरी। 24 जनवरी के बाद जब शनि का ट्रांजिट होगा आपकी फिफ्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस आपका थोड़ा हल्का हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपने विशेष को, अपनी ड्रीम्स को पूरे करने के लिए पूरी मेहनत कर सकते हो। एंड आफ्टर सेप्टेम्बर जब आपके राहू और केतु भी चेंज होंगे, राहू आपके नाइन्थ हाउस में आएंगे, केतु आपके थर्ड हाउस में आएंगे, तो एक चीज ये, आफ्टर सेप्टेम्बर आप प्लीज किसी से भी एडवाइस लेने से पहले आप अपने इंस्ट्रक्ट की सुनना, अपने गट, अपने इंट्यूशन की सुनना, उसके बाद किसी और की एडवाइस लेना। कोई भी ऐसा काम करने से बचिएगा जिसमें आपका नाम खराब होने की चांसेस है, तो इन सारे कामों से दूर रहिएगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या रिस्क आप मत लीजिएगा आफ्टर सेप्टेम्बर,
किसी भी चीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कोई बड़ी प्लानिंग करनी है, तो सितंबर से पहले पहले का जो टाइम है उसमें सारे काम निपटा डालिए। और एक लास्ट बात ये कि 2020 में आपकी लाइफ में जो भी मदर है आपकी या मदर फिगर है उनका रोल बहुत ज्यादा रहेगा, या फिर आप जो 2019 में आपके घर में जो भी फ्रिक्शन हो रहा था, लोगों के साथ जो भी टेंशन हो रही थी, उनको सब रिजोल्व होंगे, वो सब रिजोल्व होंगे, उनमें आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छी होंगी और एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। गाइस ये थे मेजर पॉइंट जो मुझे लगा कि मुझे कन्या राशि के लिए 2020 में बताने चाहिए थे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।